हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक समय पे 1500 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता था, और अगर बात करें अभी तो अभी वो स्टॉक लगभग आपको 90 रुपए के आसपास मिल रहा है। साथ ही बता दूं, पहले वो स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर था, लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी 50 में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल करके आ रही है, कहाँ हमें बाइंग करना चाहिए उस पर हम करेंगे चर्चा। इस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जिस स्टॉक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस स्टॉक का जो मार्केट कैप वो भी कितना चल रहा है, 4591 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस की अगर बात करें 97.4 का भी करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है। हाई और लो की अगर बात की जाए 183 रुपए का हाई और 89 रुपीज का लो पिछले 52 वीक में हमने यहाँ पर देखा। स्टॉक के पी रेशो की अगर बात करें यहाँ पर आप देखेंगे 3.91 का पी रेशो स्टॉक का यहाँ पर चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें 359 रुपीज, मतलब करंट प्राइस से आप बुक वैल्यू को कंपेयर कर तो बुक वैल्यू भी आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। डिविडेंड की अगर बात करें कोई भी डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, ये देखिएगा 0% के डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 9.57%, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 7.18%, और फेस वैल्यू स्टॉक के निकल करके आती है 2 रुपए की। बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के पी रेशो की, इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 20 का है, उसके कंपेयर में स्टॉक का पी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 21.7%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें 13.1%, यहां पर अगर आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग 50% से ज्यादा, और प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो 9.59% आपको देखने को मिलती है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1174 करोड़ रुपए आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक ने बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न नहीं दिखाए हैं, यहां पर बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, और स्टॉक 90 रुपए के भी नीचे लगभग 89 तक भी गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो 1500 रुपए पे जो स्टॉक काम कर रहा था वो इतना नीचे आ गया, तो क्या अभी हमें बाइंग करना चाहिए? तो फ्रेंड, सबसे पहले यहां पर बताना चाहूंगा किस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जिस स्टॉक की यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक। यहां पर आप देखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अभी स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है, और नीचे की तरफ लगभग 89 रुपीज के आसपास आपको यहां पर सपोर्ट दिखाई देता है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 160 पे। तो फ्रेंड, क्या अभी बाइंग करना चाहिए? यदि शॉर्ट टर्म एंट्री की आप बात करें तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर आपको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है, इसे आपको अवॉइड करना है। तो शॉर्ट टर्म कहां ले सकते हैं, यहां पर आप देखिएगा आपके सामने यहां पर चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखिएगा अब ऊपर की तरफ 160 रुपए से स्टॉक नीचे की तरफ आया है, ये देखिएगा, और गिरावट कहां तक की हुई है तो आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे की तरफ आया था लगभग यहां पर 125 रुपए तक, फिर स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिखाई दी और 180 रुपए के ऊपर जाने को स्टॉक फिर से नीचे गिरता है, और ये गिरावट स्टॉक को कहां तक लाती है तो आप यहां पर देख सकते हैं 89 रुपीज के आसपास, मतलब 90 रुपए के आसपास आपको स्टॉक यहां पर गिरता हुआ दिखाई दिया, और यहां पर हल्की तेजी आने के बाद फिर आपको सपोर्ट दिखाई दिया 90 के आसपास, एक बार फिर से हल्की सी तेजी आई यहां पर, और एक बार फिर आपको स्टॉक यहां पर रिटेस्टिंग करता हुआ दिखाई दिया 90 रुपए के लेवल पे, फिर स्टॉक में आती है तेजी, और ये तेजी स्टॉक को लगभग 140 रुपए के ऊपर लेकर के गई, और यहां पर आप देखेंगे यहां पर जाने के बाद स्टॉक फिर से गिरता है, और यहां से जब तेजी आई है तो स्टॉक आपको यहां पर 160 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखिएगा 160 रुपए तक जाने के बाद स्टॉक में आपको फिर से गिरावट दिखाई दी, और ये गिरावट स्टॉक को नीचे की तरफ गिराती है, और यहां पर हम देखते हैं एक बार फिर से रिटेस्टिंग करते हैं, और 160 पे स्टॉक यहां पर जाता हुआ हमें दिखाई दिया। यहां पर 160 पे दो रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किए, और इसके बाद जब गिरावट हुई तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से स्टॉक आपको कहां पर दिखाई दिया, लगभग 90, एग्जैक्ट 90 नहीं आया लेकिन 90 के आसपास आने के बाद स्टॉक ने फिर सपोर्ट जनरेट किया है, और आपको यहां पर जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है पिछले 2 दिनों से ये यहां पर हमें बनती हुई दिखाई दी। तो फ्रेंड देखिए 97 पे स्टॉक चल रहा है, यहां पर अगर आप बाइंग की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहां पर 80 रुपए का मेंटेन करना होगा। शॉर्ट टर्म का आपका ट्रेड होगा, 80 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप बियर कर सकते हैं तभी आप इसके अंदर एंट्री करेंगे, और जो टारगेट यहां से निकल करके आएंगे वो रहेंगे 160 रुपए के आसपास के। तो फिर लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ जो यहां पर टारगेट है वो आपको अच्छा खासा बड़ा दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर बात करें 65 पॉइंट का आपको यहां पर टारगेट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ये स्टॉक सही नहीं है, पोजिशनल ट्रेड लेने का मैं कह रहा हूं। हो सकता है आने वाले 6 महीनों में आपको ये टारगेट यहां पर दिखाई दे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप सोचे फिर से स्टॉक 1500 तक जाएगा तो यहां पर मुझे नहीं लगता कितना ऊपर फिर से स्टॉक जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्ले करके इस रेंज को फॉलो करके हम बहुत अच्छे यहां पर बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिकर टेप पर, देखते हैं यहां पर एनालिस्ट की रेटिंग क्या निकल करके आ रही है। तो यहां पर हम इंडिया बुल्स को लगाएंगे, सबसे पहले तो यहां पर आप देखिएगा
इंडिया पुल्स को हम लगा के देखेंगे, इसके बारे में एनालिस्ट की रेटिंग आखिर कितनी निकल करके आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा फोरकास्टिंग का डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया और यहाँ पर कितनी एनालिस्ट की रेटिंग निकल करके आ रही है आप देख सकते हैं। 50% एनालिस्ट की राय यहाँ पर निकल करके आती है बाइंग की, मात्र 2 एनालिस्ट की कवरेज है, 2 में से 1 एनालिस्ट आपको यहाँ पर बाइंग की सलाह दे रहा है और 1 आपको यहाँ पर अवॉइड करने का कह रहा है। मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी अगर गिर चुका है, शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप एक छोटे रिस्क लेकर के लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के अंदर मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि डेफिनेटली अचीव हो सकता है, लेकिन आप अगर फिर से 1500 तक जाने की सोच रहे हैं तो वहां तक ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि जा पाए। तो अपन ये था हमारा टेक्निकल व्यू इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।